मेरा नाम मुदस्सिर बांडे है, मैं चीफ एंटी एनक्रोचमेंट ऑफिसर श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हूँ। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से ये जोरों शोरों से चल रहे हैं, तो खासकर आज आप नेशनल हाईवे पे हैं, श्रीनगर की बात है। बिल्कुल, तो यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन काफी हुआ करता है, तो आज के बाद क्या देखने को मिलेगा और आज के ऑपरेशन के बारे में? ये जो पहले भी हमने अर्ज किया है, ये ऑपरेशन कंटिन्यूस है। इसमें ये हमने 7 दिन के लिए रखा था स्पेशल एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, अदरवाइज ये जो ऑपरेशन है ये कंटिन्यूस है साल भर। तो हमें मतलब आपकी माध्यम से भी हमें पता चला था कि ये जो नेशनल हाईवे है इसको ऑक्यूपाई किया है वेंडर्स ने, उसका बहुत बड़ा खतरा हुआ करता था कि ये जो एक्सीडेंट के चांसेस थे यहाँ पर ज्यादा। तो जैसे कि हमने पहले भी अर्ज किया, ड्राइव पूरे शहर श्रीनगर में चल रही है। आज हमारी थी रामबाग से, रामबाग जो फ्लाई ओवर के नीचे वहां पर बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर ऑक्यूपाई किया था वो वेंडर्स ने, वो हमने रिमूव किया। उसके बाद ये सनत नगर के बाद ये यहाँ से हम जाएंगे रावलपोरा के बाद एयरपोर्ट गेट तक, जहाँ भी हमें मिलेगी एनक्रोचमेंट उसको हम रिमूव करेंगे। तो ये कोई इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमारी पहले भी गुजारिश है लोगों से, खासकर दुकानदारों से, दुकानों के अंदर अपना सामान रखे, और जो ये फुटपाथ वेंडर्स है उनको मतलब कोई अब नहीं चलेगा कि वो सड़क के बीच में लगाएंगे या फुटपाथ पर लगाएंगे, जिससे लोगों को चलने फिरने में दुश्वारी आती है। सर, हम बात करें तो इस हाईवे की, यहाँ सनत नगर के पास काफी ज्यादा है, हमने देखे कि रेड़े वाले वगैरह सब्जियां वगैरह बेचते थे जो काफी एक्सीडेंट का बाइस बनते थे। बिल्कुल, तो उसके लिए क्या खास रहेगा? उसके लिए हमने हफ्ते में 2 दिन रखे है बराबर परिमपोरा बाईपास से जो ये उधर पांच शक तक ये कंटिन्यूस 2 दिन ड्राइव कंटिन्यूस रहेगी। और इंशाल्लाह अब आप नहीं देखोगे कि साइड में यहाँ पर कोई रेड़ा वेड़ा होगा। तो हम आपके भी मशकूर है कि आपने हमारी नोट्स में ये लाया है, आपने भी स्टोरी इस पे की थी, तो इसलिए हमें लोगों का भी ताउन चाहिए इसमें, मीडिया का भी, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा मकसद है शहर को साफ रखना और खूबसूरत, और दूसरा ये वेंडर्स फ्री। इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे लोगों के ताउन से। तो इनके लिए हम मतलब हम आज मैं दोहराना चाहता हूं, इनके लिए हमने वेंडिंग जोन कायम किए हैं। अगर कोई और भी रह गया है उसको हम अकोमोडेट करेंगे, उसमें घबराने की इनको कोई बात नहीं।